आज सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी श्री हनुमत लाल जी महाराज की यज्ञशाला में 2100 हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद आज हनुमत यज्ञशाला में मोदी जी की विजय हेतु राष्ट्र सबल हो, राष्ट्र डेवलपमेंट हो, राष्ट्र का उद्धान हो, राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, इसके नाते मोदी जी विजय हो, अब की बार 400 पार पुनः मोदी जी के सरकार के लिए सिद्धपीठ हनुमंत लाल जी महाराज के दरबार में आज लगातार पाठ चलते हुए और सवेरे 3 बजे से हवन चल रहा था सिर्फ हनुमान जी को मनाने के लिए कि आप ऐसे ही हनुमान जी महाराज ऊर्जा प्रदान करिए और आज जो अभी रिजल्ट आए मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐतिहासिक जीत इसलिए रहेगी क्योंकि जो राम को लाए हम उनको ला रहे हैं, जो सनातन संस्कृति की बात करें, जो हिंदू हिंदुत्व की बात करेगा, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात करेगा, जो मथुरा में भगवान भोले के भगवान श्री कृष्ण की मंदिर निर्माण की बात करेगा, जो काशी में भगवान भोले के मंदिर के निर्माण की बात करेगा, जो अयोध्या में भव्य देव नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का स्वाभिमान वापस किया और धारा 370-35A को ख़त्म किया, इसके नाते मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसी आशीर्वाद के लिए यहाँ पर हनुमत यज्ञशाला में आज यज्ञ किया गया।